नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। जहां एक तरफ देश में कोरोना से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ देश के कई सारे राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में पहले तो मुर्गियां मरी, उसके बाद कौवा और कबूतर की भी मृत पाने की पुष्टि की गई है। जी हाँ, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया और जयतपुर इलाके में कौवा और कबूतर के साथ साथ मुर्गियां मृत पाई गई। इन पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका फैल गई है, जिससे इलाके के लोग अब दहशत में हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पशुपालन विभाग की टीम ने मृत पक्षियों का सीरम सैंपल के रूप में लेने के बाद डेड बॉडी को जमीन में ही गाड़ दिया। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर लोग अभी से ही सुरक्षा बरतने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि अब देश के 10 से अधिक राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। इस बीच मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सभी राज्यों में पोल्ट्री और उससे जुड़ी उत्पादकों की सप्लाई बंद करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि अगर सप्लाई बंद कर दी जाए तो पोल्ट्री उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। MFAHD मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोल्ट्री उत्पादों की सप्लाई बंद नहीं करे। अभी तक 10 राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं अब बिहार के पटना मंत्रालय ने कहा कि बर्ड फ्लू से निपटने के लिए राज्यों को स्वास्थ्य और वन विभाग के साथ सहयोग करने और उन्हें इन मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कहा गया। राज्यों को पोल्ट्री फार्मों में सुरक्षात्मक उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और जैव सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के लिए भी कहा जा रहा है। तो सुना आपने किस तरह से देश के कई सारे राज्यों में पक्षियां मर रहे हैं, जिसके बाद लोगों को सावधानी बरतने के साथ साथ सरकार को इस पर नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे ही खबरों के साथ DTV भारत के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।